हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग्स। तो गाइस, अभी मैं छत पर बैठा हूँ और धूप सेक रहा हूँ मैक्स के साथ। मैक्स पीछे बैठा है गद्दे पे, मैं भी गद्दे पे बैठा हूँ। अभी 11 बज रहे हैं, मैं वैसे उठा तो 7 बजे था। 8 बजे फ्रेश फ्रेश होकर अच्छे से मैं फिर बाहर क्रिकेट खेलने गया ग्राउंड में अपने फ्रेंड्स के साथ। 10 बजे आया, ब्रेकफास्ट किया। ठंड इतनी नीचे लग रही थी, पता नहीं क्यों आ रही थी ठंड लग रही थी। ऊपर आया, अभी नहाया भी नहीं हूँ। और आज हमको जाना है शॉपिंग भी करने, तो फटाफट से नहाएंगे धोएंगे लंच वंच करेंगे, वो शॉपिंग करने जाएंगे। देखते हैं आज पूरे ब्लॉग में क्या होता है, सो लेट्स गो। ऊपर से भी आ गया था धूप सेक के, बट मैं जैसे नीचे आया तो मुझे एकदम से खपखपा सी मची। ठंड इतनी लग रही है ना, पता नहीं आज क्या है। इतना मतलब ठंड है नहीं, बट मुझे ठंड लग रही है। मैं इसके अंदर टी शर्ट पहना हूँ, ऊपर से हुडी पहनी है मैंने, तब भी बहुत ठंड लग रही है। बट अब मैं दोबारा ऊपर नहीं जाऊँगा, बिकॉज मुझे नहाना भी है और जाना भी शॉपिंग करने यार। मैक्स भी नीचे आ चुका है। मैक्स देखिए, मुझे चाटने के लिए आ रहा है। तेरा बिस्तर ऊपर है ना, उसमें सो जा। कोई नहीं है गेट पर, कोई नहीं है, भैया है। बहुत ठंडा है पानी। ओ यार दीदी, पत्ता गोभी धो रही हूँ, पानी इतना ठंडा है कि उनके मैं चार हाथ उंगलियां डाल रही हूँ। मतलब ये देखो, पत्ता गोभी ठंडे पानी से इतना, मतलब ठंडे गर्म पानी ले लो, जरूरी ठंडे पानी से धोना। और मेरा कमरा एज यूजुअल हमेशा गंदा ही रहता है। आज संडे, आज नहा धो के ऐसे भी साफ करेंगे। मेरी टेबल देख लो, मेरा ये देख लो, उस पर सारे क्रिकेट का किट विट पड़ी हुई है मेरी। मतलब आज को पूरा साफ करता है। सो गाइस, फाइनली मैं नहा धो के एकदम रेडी हो चुका हूँ। और अभी मतलब रेडी नहीं हुआ, घर के कपड़े पहने, अभी जाएंगे नहीं। अभी 12 कुछ बज रहे हैं और अभी बस दीदी खाने बना रही है। एक्चुअली क्या, बड़ी मम्मी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही, तो आज यहाँ पे जाएंगे तो दीदी वगैरह पहले ही निकल जाएंगे। वो पहले वहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं, उनसे दवाई ले लेंगे। जब तक वो दवाई लेंगे, तब तक हम खाना लंच वंच करके आ जाएंगे। दीदी यहाँ पे रोटी सेक रही हैं, अभी सब्जी तो बड़ी मम्मी ने बनाई दी थी। सो गाइस, फिलहाल लंच करते हैं और टीवी देखेंगे दीदी और मैं। सो गाइस, फाइनली मम्मी भी आ चुकी है। मैं लंच करके थोड़ा बाहर घूम बैठा था, तभी मम्मी आ गई और एकदम से अभी हम चलते हैं फटाफट से। अभी 2:30 बज रहा है, हम फटाफट से निकलते हैं। मैं भी रेडी हूँ, तो मम्मी तो तैयारी होके आई है और वहाँ से हम जाएंगे शॉपिंग करने। सो गाइस, फिलहाल निकल रहे हैं, एकदम रेडी हो चुका हूँ, मैंने कपड़े पहन लिए अच्छे से। अब चलते हैं फटाफट से बाजार। चलो जल्दी फटाफट से निकलते हैं बाइक से। तो गाइस, फाइनली हम दुकान में पहुंच चुके हैं, इस भैया के कपड़े लेंगे। चलते फिलहाल अंदर। हो चुका है जितना भी मुझे लेना था। अब पापा के देखते हैं, भैया और मेरा तो छोटा पापा का रह गया। अभी बस हम निकल रहे हैं यहाँ से, पापा का भी काम हो चुका है और मेरा भी हो गया, भैया का भी हो गया, बड़े पापा का नहीं हुआ, तो अभी हम निकल रहे हैं घर को। सो गाइस, फाइनली आ चुके हैं शॉपिंग करके। हम 2:30 बजे निकले थे, 6:30 बज चुके हैं, मतलब लिटरली 4 घंटे हो गए। हमने दीदी का जो साड़ी वाड़ी ली थी वो कम्प्लीट किया, मेरे कपड़े फाइनल हो गए, कल आ जाएंगे। भैया के कपड़े सिलेंगे, दादाजी के सिले,
पापा के से लेंगे, बड़े पापा के से लेंगे। तो फिलहाल कपड़े चेंज करते हैं, बिकॉज भाई थक गया, भूख भी लग रही हुई सुबह, मैंने 12 बजे खाना खाया था, वो भूख लग रही है। तो फिलहाल कुछ कपड़े चेंज करते हैं, कुछ खाते हैं। और मेरा ये फ़ोन भी चार्ज नहीं है इसकी, एक्चुअली क्या इसकी बैटरी बहुत ही ज़्यादा बेकार है। एक चार्ज पर लगभग उसको कंटिन्यू यूज़ करो तो 2 घंटे चलेगा। इसकी बैटरी बहुत डाउन ही होने वाली है, इसलिए अब मैं इसको चार्ज पर लगाता हूँ, थोड़ी देर बाद आपसे बात करेंगे। सो गाइस अभी 9:15 बज चुके हैं, और अभी मैं सोच करते हैं डिनर, कि मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है। आज बने हैं नमकीन चावल, वहाँ से आया तो मैंने राजमा चावल खा लिए थे। फिर मैं भाई इतनी ठंड लग रही है, मैं तब से देखो यहाँ कंबल में ही घुसा हुआ हूँ, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है, बाहर निकल के तो कपकोन मच रही है। अब मैं नहीं देखता हूँ, फिलहाल लंच करते हैं फटाफट से और ब्लॉग को करते हैं एंड, बिकॉज बहुत देर हो चुकी है, सुबह से लेकर शाम तक हो गया है। मुझे ब्लॉग को एडिट भी करना है और अपलोड आज की आज ही मारना है, बिकॉज यार डिले नहीं करता, तो 7 दिन हो जाते हैं। हर संडे संडे में वीडियो बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ, तो ये चलना सही है। सो अब नेक्स्ट ब्लॉग मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।